वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन बबल कैसे हैं आप सब आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड डिवाइन आप पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें तो पाइसीज़ आज हम जुड़े हैं आपकी लव एंड रोमांस की रीडिंग करने के लिए फॉर द मंथ जनवरी 2021 सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी निकालेंगे एंड देन आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड देन आपकी फीलिंग्स ओके वी हैव टू कार्ड्स ऑलरेडी थ्री कार्ड्स ऑलरेडी फर्स्ट इज डेथ पाइसी कोई ट्रांसफॉर्मेशन कोई एंडिंग जरूरी नहीं है यहाँ पे रिलेशनशिप की एंडिंग की बात हो रही हो बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद विक्ट्री है एंड आपके मन को शांति मिलेगी कि जो भी चीज़ थी ना वो ख़त्म हो गई है और अब आप शांति से रह सकते हो ऐसी कोई चीज़ होने वाली है जनवरी में किसी चीज़ का एंड होना या एक नई चीज का शुरू होना भी हो सकता है जब एंडिंग होती है तभी तो शुरुआत होगी ना तो डेथ कार्ड हमेशा नेगेटिव नहीं होता है यहाँ पर है एंड मैं देख रही हूँ किसी पुराने वूंड से दूर जाने की एनर्जी है कोई पुरानी चीज़ है ना जिसको आपने मन में बिठा के रखा था काफी टाइम से दुखी थे उससे उससे दूर जाओगे आप लेट्स सी आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके पार्टनर तो फोर ऑफ रॉड्स नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सॉट्स आपके पार्टनर तो काफ़ी अच्छे मूड में हैं। मुझे लगता है कि थोड़ी सी इंडिपेंडेंट एनर्जी है उनके साथ इंडिपेंडेंट है अपने दोस्तों के साथ हैं प्लस कोई डिसीजन वो कर रहे हैं वो डिसीजन हाँ अभी देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है फिर हम कंबाइंड इसको समझते हैं आपकी एनर्जी है काफी स्ट्रांग एनर्जी है डोमिनेटिंग एनर्जी है हेड स्ट्रांग एनर्जी है मूवमेंट की एनर्जी है डिसीजन करने की एनर्जी है पूरी फायरी एनर्जी है पाइसीज आप वाटर साइन होकर भी मैं बोलूंगी आपके लिए जनवरी का महीना काफी फायरी रहने वाला है काफी स्ट्रांग नीचे है हमारे पास हाई प्रीस्टेस तो कोई ऐसी चीज़ है ना यहाँ पर जिसको टैरो कहना चाहते हैं कि आप जो है इंटवेटिवली सोचिए अपने मन की आवाज़ सुनिए एंड मेरे पास ये फूल कार्ड भी है आई डोंट नो ये कहाँ से टर्न हुआ बट चलिए इसको आपकी फीलिंग में रख देते हैं तो हाँ कोई नई चीज़ है जिसकी तरफ आप देख रहे हैं पुरानी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हो आई थिंक ये उन लोगों के लिए है जो अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं है आपके पार्टनर मैं देखती हूँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स है ना यहाँ या? यहाँ पे तो वो सिंगल एनर्जी एग्जिबिट कर रहे हैं काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं और फोर ऑफ फ्रॉड्स में मैं देखती हूँ अपने दोस्तों के साथ हैं वो ये रिलेशनशिप वाली एनर्जी नहीं है अभी वो सिंगल है दोस्तों में हैं और मैं देखती हूं आप जो हैं अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं उनके साथ एक न्यू स्टार्ट देख रहे हैं आपको लगता है उनके साथ रिलेशनशिप आपको मन में शांति दे सकती है आपके पेन्स जो आपने पास्ट में झेले हैं उनसे आपको उनके साथ रह के सुकून मिल सकता है ये है आपकी सोच ओके okay, ये जनरल रीडिंग होती है लेट मी टेल यू अगेन ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करें किसी के के साथ ना करें अगर रेजोनेट करती हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्या रेजोनेट नहीं करता है वो भी बताइए एंड आप और क्या देखना चाहोगे इन लव रीडिंग्स में वो भी आप मुझे बता सकते हैं लेट्स ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों हैं आपके पार्टनर की फीलिंग में कि okay. वी हैव द क्वीन ऑफ सोल्स ओके आपके पार्टनर जो है ना अभी मैं बोलूंगी यहाँ पे इमोशनल तो है ही नहीं यहाँ पे इमोशंस के कार्ड नहीं है पाइसी अभी इमोशनल बॉन्डिंग बनी ही नहीं है आपस में हालांकि डीप थिंकिंग तो चल रही है आपके एंड से चल रही है ज्यादा आपके पार्टनर भी सोच रहे हैं अपने दोस्तों से डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में बातचीत कर रहे हैं है ना अब सोच रहे हैं थ्री ऑफ सोर्ट्स प्लस उनको ऐसा लगता है कहीं आप उनको हर्ट ना कर दो अपनी फीलिंग्स को लेकर ना काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं वो उनको मालूम है कि उन्होंने खुद को बनाने में ना काफ़ी एफर्ट लगाई है वो अब अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी फ्यूचर के हार्टेक से उसके बारे में वो डीपली सोच रहे हैं यानी कि बेसिकली ये कहा जाए तो आपको जज कर रहे हैं काफ़ी आपके बारे में सोच रहे हैं और यही है उनके

प्रिंसेस ऑफ डिस्क हाँ देखो फिर से आया ना मैं बोल रही हूँ फाइनेंशियली स्टेबल है ये अफर्म हो गया इससे okay. वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं और चाहते हैं कि आप भी जो है ना फाइनेंशियली उतने ही अच्छे हों जितने वो अच्छे हैं ये उनकी पैसी सोच है वॉट एल्स नाइट ऑफ वॉन्ट्स एक तरफ तो वे सोचते हैं कि फाइनेंशियली अच्छी हो वह दूसरी तरफ है कि दे आर वेरी इंक्लाइंट टूवर्ड्स यू जैसे आप रिलेशनशिप में एकदम भाग के आगे जाना चाहते हैं ना वैसे ही वो भी जाना चाहते हैं लेकिन ये ये चीज़ कि कितनी की कितनी स्टेबल रहेगी जिंदगी नॉट ओनली फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ फैमिली ऑल्सो कि फैमिली कैसी रहेगी वो आपके साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं वो ये सब कुछ सोचने लग गए हैं आपको बताएंगे नहीं अभी एक्सप्रेस कोई भी नहीं कर रहा है यहाँ पे आप बस चीजें देख रहे हो समझ रहे हो नई स्टार्ट चाहते हो एक्सप्रेस तो आप भी नहीं कर रहे हो हाँ सी ये एम्परर यहाँ क्यों है आपकी फीलिंग्स में एम्परर है क्योंकि बिल्कुल फिर से टफ आप चाहते हो बातें एक्सप्रेस हों जल्दी से आप इस इंसान को जिसको आप पसंद करते हो इनके साथ आप एक एटलीस्ट एक फ्रेंडली नोट पे तो आ जाएं आप आप लोग का कम्युनिकेशन बढ़ जाए टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन बढ़े आप सोच रहे हो कि वो कैसे पहुंचेगी वो स्टेज वेर यू आर टॉकिंग टू ईच अदर वेरी क्विकली ओके डेवल और यहाँ पे मैसेज है कि आपको इस बात का भी डर है कि अगर आपने ज्यादा तेजी से कोई स्टेप उठाया तो कहीं आपके लव इंटरेस्ट आपको गलत ना समझे नीचे है एडजस्टमेंट तो बेसिकली ओवरऑल ये मैसेज है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा अब कई लोग नीचे कमेंट्स में लिखते हैं हम कितनी पेशेंस रखे मैम हमने तो कितने टाइम से पेशेंस रखी है तो मैं ये बोलूँगी जब देखिए जब पेशेंस का टाइम होता है तो पेशेंस भी रखनी पड़ती है आपको जब सुख का टाइम आता है वो कितनी जल्दी निकल जाता है दुख का टाइम काटना हमेशा मुश्किल होता है इंतजार करना हमेशा मुश्किल होता है बट ये दोनों चीजें ही सुख के टाइम को स्पेशल बनाती हैं क्यों सही कह रही हो ना ओके लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम एंजल ओरेकल फॉर यू एंजल ओरेकल में आपके लिए क्या मैसेज है एंड वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स देखा मैंने कहा था ना वो कुछ आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोच रहे हैं हो सकता है कि आप दोनों का जो रिलीजन है कास्ट है उसमें डिफरेंस है काफ़ी डिफरेंस है जिसकी वजह से उनको लगता है कि आप लोग साथ में जम पाएंगे कि नहीं सही से आप लोग का कपल जो है सीरियस रिलेशनशिप में पहुँच पाएगा कि नहीं ये उनकी सोच है मैं देखती हूँ आप भी उनके इस वाले पॉइंट से जो होना कहीं ना कहीं तो अग्री करते हो सोच तो आप भी रहे हो अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुँचा है स्टार्ट दोनों चाहते हैं एक दूसरे के साथ लेकिन इस चीज़ से बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन आपकी अपब्रिंगिंग आप दोनों की फैमिली बैकग्राउंड का बहुत डिफरेंट होना कल्चर का डिफरेंट होना वैल्यूज़ का डिफरेंट होना गोल्स का डिफरेंट होना बहुत कुछ डिफरेंट होता है ना बिकॉज ऑफ़ योर अपब्रिंगिंग योर रिलीजन तो वो सब उसके बारे में सोच रहे हैं बट इन दी एंड देखिए बात तो ऐसी है सब इंसान ही होते हैं रिलीजन इंसान के लिए बना है रिलीजन के लिए इंसान नहीं बने हैं तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू तो द चैनल एंड मुझे कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली बताएगा कि आपको ये कैसी लगी मिलते हैं बाय